मैं एक गल करा, अगर पुराने वक्त की गल करदा 1965-70 के दरम्यान जिहड़ियां मोटर जां ट्यूबवैल लगे हुए ने उत्थे तुसीं देखोगे एक बड़ा सारा शीशे च मढ़ा के हुए चार्ट लाया हुंदा, उहदे उत्ते सांझा दिंदा दिखाउंदे हुंदे ने। एक सेफ्टी प्रकोशन थी भी जे कोई हादसा हो जाए तो बची ना किवें है। अज 11,000 वोल्टेज लाइन साढ़े सिर ते, उहदा कोई प्रकोशन है ही नहीं। एक बार मैंने ये दसो भी ज़्यादातर जिहड़ी है गिणती, आपां पहलां गलबात कर रहे सीगे, किन्नियां मौतां हो जांदियां आम दिन दे विच वेख्या जावे तां नॉर्मली पूरे भारत दे विच? विच जी इंडिया दे विच जो गौरमेंट दा रिकॉर्ड है जिहड़े कि मामले दर्ज ने बकायदा, वह तकरीबन 10,000 मौत साल की है। 10,000 मौत, जाने के 29-30 के आस पास का अंकड़ा आता रोज़ का। यह हमेशा रास्ता लभदी है भी इहनूं किसे तरह राह मिले। इत्थे तिन्न तारां असीं पाईआं हुंदीआं ने, या इह रास्ता मोटरां असीं जोड़ीआं ने, इह तिन्नां दे विच दी इलैक्ट्रॉन घूमदे रहिंदे ने। पर समां आउण ते जदों भी कोई वक्त मिलदा है तां इह आपदा जमीन नूं रस्ता तय करन दी कोशिश करदी है। जदों भी कोई इंसान इत्थे खड़ा है, वह जमीन ते खड़ा है, तो वह किसी कारण इहनूं हत्थ लग जांदा है, तां बिजली ने अपना जिहड़ा रूट है इहदे विच ही बना लिया। इहदे थ्रू कट एक गल मैं अज होर बड़ी स्पष्ट कर देनी चाहुंदा भी ज़्यादातर लोगों के एक बहुत बड़ा भुलेख है, वो ये है भी तुसी जिहड़ी मतलब बिजली है ये फड़ लैंदी है जां आपदे वल नूं खिच लैंदी है। इन्ना ज्ञान देने वाले कारीगर नूं भी मैं कह सकदा भी एक टाइम ऐसा आ गया सी जब इसे बिजली ने फड़ लिया सी, चिमट लिया सी। इह ज्ञान देना फिर समझ आउंदा जब आपदे सट वजे, नहीं तां बंदा रब नूं टप नहीं समझदा। ये जिहड़ा साडा एक घर है जी, ये सारा अर्थ है, ते इत्थे साडे बदल ने, बदलों तो जदों भी बिजली रास्ता तय करूगी तो उन्हें टॉप नूं टच करना है, जो उहदा नेड़े तो नेड़े दा तय। हाँ, अगर इहदे कोले उच्ची बिल्डिंग होर है फिर इहदे कोले जाओ, क्योंकि सीधे तौर पर गल कहीए भी एक तरह नाल इह 45 डिग्री का एरिया हुंदा इहदा, मोटा मोटा कैलकुलेशन है। 45 डिग्री एरिया बिजली लेंदी है, जे जिन्ना उच्चा कोई साडा लग्या, जे असीं इहदे उपर इत्थे जाके लाइटनिंग अरैस्टर लाता तां इहदा मतलब इत्थों तो लैके इन्ना एरिया। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ 11,000 ਵੋਲਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਤਰਾ? ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਸ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਰੱਖਣੀ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ 11,000 ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ, 8-8 ਲੱਖ ਵੋਲਟ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਟੱਚ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ 1-2 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਟਾਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਬੜ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਉੱਠਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਜੋਗਿਆਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾ ਲਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਐਸੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੋਲਡ ਕਰ ਲਏ, ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਉਸ ਬਣਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵਰਤੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ,
तो पिंडां दे विच जिहड़ी मोटरां लगी हुई ने मोटरां दे उत्ते तारां किड्डियां वड्डी वड्डी जिहड़ी 11,000 वोल्ट या उस तो भी वड्डी वड्डी तारां जिहड़ियां ने निकलदियां ने पर उहनां बारे नॉलेज किसे नूं नहीं किसे नूं नहीं किसान नूं तां चलो है ही नहीं पर जिहड़े इलैक्ट्रीशियनज़ ने जिहड़े इस चीज़ दे एक्सपर्ट ने उहनां नूं भी किते मैं कह सकदा किन्ने हद तक जिहड़ी है उस चीज़ बारे पता ही नहीं हुंदा अज उस चीज़ का उड़ा ऐड़ा कह सकता ABCD कह लो हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट समझाऊँगा कि किस तरीके दे नाल खास करके जिमीदार तबका आ किसान तबका आ अपने आप नूं बिजली तो जिहड़ी एक ऐसी चीज़ है जिहड़ी दिखदी नहीं पर जे हाथ ला लोंगे बंदा मार दिंदी है उस तो किस तरीके दे नाल बचा जा सकता है किवें अपने आप नूं ठीक रखे किवें सुचेत रखे किवें होरां नूं अगे दसीए कि हाँ भी भाई इस चीज़ तो बचा जा सकता किवें बचा जा सकता मेरे नाल अज भाजी जय सिंह जी होणगे अज फिर तो उन्होंने असीं फैक्टरी दे विच आए सी सब तो पहला सर दा स्वागत करते हैं भाजी सत श्री अकाल ठीक ठाक हो सत श्री अकाल जी बिल्कुल ठीक ठाक है सब तो पहला सवाल मेरा यही होगा भी ज़्यादातर लोगों ने जिवें हुण आपां मॉडर्न टैक्नोलॉजीज तां अडोप्ट कर लईआं जिंदगी दे विच अपना लईआं पर पता कख नहीं ज़्यादातर इलैक्ट्रीशियनां नूं भी मैं सुनिया भी यह भी नहीं पता होंदा भी असल दे विच इह काम किवें करदा इंसुलेटर काम किवें करदा इहनूं कित्थे किहड़ी कार कित्थे कनैक्ट करनी जी असल दे विच गुरप्रीत जी मैं गल करां भी असीं लोक अणजाणे च किते ना किते शेर की सवारी कर रहे हो शेर की सवारी का इको ही मतलब होंदा भी जिन्ना चिर तुसीं उत्ते बैठे हो तां बैठे हो भज्जा जा रहा है तो जदों खड़ गया जां उतरांगे तां उहने सानूं छड्डणा नहीं है ये उही शेर है जिहड़ा साढ़े घरां दे अंदर भी मौजूद है पर जिहड़ा वड्डा शेर बब्बर शेर है वह साढ़े पिंडां दीआं खेतां दीआं मोटरां ते है मोटरां ते है और बदकिस्मत ये है भी उन्हां नूं पता ही नहीं भी साढ़े बार बब्बर शेर खड़ा उन्हां नूं ऐ लगदा भी कुत्ता खड़ा ते वह कुत्ते दी हैंडलिंग दे चक्कर च बब्बर शेर नूं किते हत्थ पै जांदा तां मार दिंदा अणगहली नहीं है अणजाणता अणजाण ने उन्हां नूं नहीं पता भी इत्थे की है अगर मैं इत्थे भी तुहानूं दिखावां आ इक ट्रांसफार्मर साढ़े कोल लग्गिया होया ये ट्रांसफार्मर का जिहड़ा हेठला हिस्सा है इत्थे तक वह हिस्सा है जिहड़ा झटका लगन नाल बंदे नूं मार सकदा है अच्छा थल्ले वाला हिस्सा यह हिस्सा ठीक है जिहड़ा कि साडियां मोटरां नूं जांदा है ठीक है जबकि यह जिहड़ा उपरला हिस्सा है जी इत्थे तां हत्थ पिया तो बंदे नूं अग लगी बंदे नूं अग ही लगेगी पूरे शरीर नूं जिस्म नूं अग लग जाती है ठीक है जानि कि इस लाइन के टच च आउण दे एक तो दो सेकेंड के बंदा पटाका निबड़ जाता है कई बार अग अंगा दे भी निकल जाती है जे कोई बच भी गया या कुछ ऐसी बचत हो गई पर जिहड़ा नुकसान है शरीर का वह बहुत बड़ा हो जाता है हुण दुख की गल है भी आम लोग पलास नूं एक अली बाबा समझते हैं भी जिथे मर्जी पा लो वह सब जगह हरफन मौला टूल है साडा वो समझ रहे जरा आप इतने बिजली ना बच गए तो उत्थे भी गेड़ा दे लो कि गल है बहुत हादसे होंगे ने तो परंतु जोड़े बो साढ़े पलास होंगे ने यह वो तो वह 1000 वोल्टेज तक वीयर कर सकते हैं जे रावड़ा दुरुस्त ने पलास दियाँ तो असी 11,000 वाली वोल्टेज पर हथ पै गया तो उन्हें रावड़ा के बिच दी 20 बंदे होक देने जी लाइन है एक प्योर 11,000 वोल्ट वाली पाई ये पूरी 11,000 वोल्टेज की लाइन है जी इतने ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ 11,000 ਵੋਲਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਤਰਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਸ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਰੱਖਣੀ ਆ ਜੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲਓ ਸਾਡੇ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ 11,000 ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ 8-8 ਲੱਖ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਬੰਨਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ 415 ਵੋਲਟ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਸਬਰਸੀਬਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੱਲਦਾ ਉਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਟੋਟਲ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਅਗਰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ 1965-70 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਜਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਮੜਾ ਕੇ ਹੋਏ ਚਾਰਟ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝਾ ਦਿੰਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰਕੋਸ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਚੀ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਅੱਜ 11,000 ਵੋਲਟੇਜ ਲਾਈਨ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕੋਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਿਣਤੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ
ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਮੌਤ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। 10,000 ਮੌਤ ਜਾਣੀ ਕਿ 29-30 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਆਉਂਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਤਬਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੋਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਦਿਨ 'ਚ ਆ ਗਈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਤੋਂ ਕੋਈ ਓਹੜ ਪੋਹੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਮਕੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਰਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਸੁੱਕ ਜੂ ਔਰ ਬਦਕਿਸਮਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁੰਡਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਲਈ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹਦੀ ਆਹ ਲੱਗੀ ਤੀ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਖੇੜਾ ਛੜਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਲੈਸਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ 11,000 ਵੋਲਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਹੈ ਇਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਚਾਲੂ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਸ਼ੇਅਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਡਾ 11,000 ਵੋਲਟੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਫਟੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ VCB ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗਰਿੱਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਟਰਾਲੀ ਕੱਢਤੀ ਜਾਂ ਲਾਤੀ ਇਹ ਉਹੀ ਟਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਿੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ 11,000 ਵੋਲਟੇਜ ਇੱਥੇ ਚਾਲੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਆਓ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸੂਈ 11,000 ਵੋਲਟ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ 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 ਇਹ 11 KV ਚਾਰਜ ਹੈ ਦੇਖੋ ਹਮਿੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੇ 11,000 ਵੋਲਟ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ 11,000 ਵੋਲਟੇਜ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੇ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 400 ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਲਬ ਮੋਟਰਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਕਿਊਪਮੈਂਟ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਵਗੈਰਾ ਚਾਲੂ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸੁੱਚ ਦੱਬ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੈਬ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਲੈਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰੰਟ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਹੁਣ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿੜੀਆਂ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਰਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲਾਈਵ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹ ਮਿਲੇ ਇੱਥੇ 3 ਤਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਮੋਟਰਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਕਤ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਹ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਹ ਕੌਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਰੇਲਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੱਤ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੇਠੋਂ ਬੂਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅੱਗ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ ਬਾਹਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਜਿਸਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਅਰਥ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਹਾਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਦੂਜਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਂਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਡੈਮੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਨੀ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਪੱਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਪੱਟ 'ਤੇ ਐਡੀ ਗਲੀ ਗੜਤੀ ਬਸ ਉਹ ਗ੍ਰਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਿਲ ਅਰਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜਿਆ ਪਿਆ
उन्होंने लकड़ का डंडा ला दो हाँ, लकड़ ना हट जाओ नहीं 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 कोई जादू की छड़ी नहीं है हाँ। लकड़ का डंडा इस सर्कल नहीं तोड़ सकता। लकड़ एक हालत आती है भी जे तुम इंसूलेटड हो खुद बिजली तो सेफ हो जा लकड़ के डंडे की मदद नाल बंदे नूं धक्का दे सकदे हो ताकि वह लाइन नाल टुट जाए। एक गल मैं अज होर बड़ी स्पष्ट कर देनी चाहना भी ज़्यादातर लोगों के एक बहुत बड़ा भुलेखा है वो ये है भी तुसीं जिहड़ी मतलब बिजली है ये फड़ लैंदी है जां आपदे वल्लों खिच लैंदी है नहीं इहो जिहा कुछ नहीं हुंदा। बिजली खिंचदी नहीं है ना बिजली किसी नूं फड़दी है बंदा बिजली नूं फड़दा है चाहे किन्नी भी हाई वोल्टेज होवे नहीं उहदे नेड़े जाके इक उहदा मैगनैटिक फील्ड हुंदा जिथों तक उहदी स्पार्क मार सकदी है पर आपदे वल्लों खिचूगी नहीं। मैगनेट की ऐसी कोई खिच नहीं भी जे मेरा हाथ इत्थे आ गया तो उहने फड़ के खिच लूगी नहीं ऐसा कुछ नहीं हुंदा उत्थों सिर्फ स्पार्क आ सकदी है जे वह दायरे के बिच है तो वो जी गल मैं सुन दसी भी हाथ बिजली फड़दी नहीं है बंदा बिजली फड़द हूँ तुम एक अंदाजा लाओ भी आही एक पॉइंट है साढ़े बिजली का कम सीखण एक गल सिखाई जाती है भी कदे भी किसी चीज़ को हथ लाना तो उल्टा हथ ला के देखना इस तरह सीधा नहीं लाना क्यों वह कारण यह है जी जो हथ की बणतर है कुदरत ने पिछे तो मुड़ती नहीं ये ऐनू मुड़ती है जदों भी मान लो मैं इतने हथ लाया ये बिजली मौजूद है नर्वस सिस्टम ने जो इंटीमेट किया कोई गड़बड़ा तो ग्रिप ऐ बने ग्रिप बने तो बंदा भी तार नू फड़ी खड़ा तार बंदे नू नहीं फड़ी खड़ी ऑटोमैटिकली ग्रिप बन गई। इस करके कदे भी बिजली की जी कोई चीज़ है जो तुम संपर्क चाहते हो तो हमेशा पहले पुट्ठा हथ ला के देखो पुट्ठे हथ का एक ही फैक्ट है चाहे साड़ी बांह का ये जोड़ है चाहे ये ऑटोमैटिक अंदर नू आउट। ये नाल एक होर चीज़ मैं दस देवां कि काफ़ी लोगों को वैसे तो दर्शक जिहड़े देख रहे हैं जयसिंह बारे पता होगा पर मैं दस देवां कि जिवें हुण भाई साहब ने निशान दिखाए ने भी इन्ना ज्ञान देने वाले कारीगर नूं भी मैं कह सकदा भी एक टाइम ऐसा आ गया सी जब इसे बिजली ने फड़ लिया सी चिमट लिया सी इह ज्ञान देना फिर समझ आउंदा जब आपदे सट वजे नहीं तो बंदा रब नूं टप नहीं समझदा लगदा कुछ नहीं हुंदा करदे पर जदों हो जांदा तो बाद डर लगदा है। हुण हालांकि मेरे एक्सीडेंट नूं 32 साल हो गए ने 32-33 साल हो गए 88 च होया सीगा तो हुण दिल की एक ही तमन्ना हुंदी है भी मैं किसी बच्चे नूं बिजली दा कम सिखावां जां ना सिखावां होर कोई कम पल्ले पावां ना पर तो बचना मैं जरूर सिखाना भी यार बची दा भी जिहड़ी चीज़ मेरे नाल होगी जय सिंह नाल होगी वह किसी होर नाल ना हो वो दुबारा ना वापर जाए वो वरता रहा। आप दिखाइए फिर चला के प्रॉपर जो इतने आप कहने क्योंकि इतने हम वोल्टेज जी उधरों ऑन हुई हुई है 11000 वोल्ट जी आप दिखाई सी दर्शकों कि वह चल रही थी हम आप प्रॉपर मीटर के रीडिंगा दे करके दिखावे किस तरीके दे नाल किवें टच किया जा सकता कि नहीं टच करना चाहिए की हिसाब किताब होंगे सारा दिखावे आप भाई जिहड़ा अज का मैं अहम सबजैक्ट दोस्तों दसना चाहना वो हैगा साड़ी अर्थां दा जिहदे प्रति असी टोटली अवेसले हाँ अज किसी घर अर्थ कराने का कल्चर नहीं है, है ही नहीं है नहीं जबकि खर्चा होगा ज़्यादातर लोग तो यही सोच रहे हैं नहीं कई गल्लां नाल जोड़ा जाता बहुत सारे लोग सोचते हैं भी अर्थ कराने का मतलब है बिजली चोरी करना ये भी दिमाग दे विच ते वो बिजली चोरी करन तो लैके सबनों ऐ लगता भी इन्हें अर्थ कराई है तो बिजली चोरी करता होगा अलग अपने चोरी करनी नहीं आप अर्थ करवानी नहीं जबकि अर्थ का इस गल्लां नाल कोई तलकात नहीं अर्थ सीधी सीधी साड़ी जिंदगी नाल तलकात रखती है। अर्थ बारे एक लफ्ज़ कहा जाता है अर्थ 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 वरना अनर्थ बस। अच्छा एक जय सिंह जी जिवें मान लो कई मैं वीडियोज़ देखिया ने तुसीं भी वेखिया होणगियां भी जिहड़ी उपरों बिजली गिरदी है यानी कह दिंदे भी इस जगह पर भाई बिजली गिर गई फलाने पेड़ ते असमानी बिजली उस दे विच भी जिहड़ी ये अर्थ काम करती है बिल्कुल काम करती है जी। अज तुसीं चाहोगे तो साड़ी फैक्टरी के उपर लाइटनिंग रैस्टर लग्या होया बड़ी उचाई ते 100 फुट ते उच्चा लग्या होया वह जिथे भी कितें उच्ची बिल्डिंग है जां नराली बिल्डिंग है खेतों के विच है तां जिथे असीं लखां रुपया बाउंडरी वाल ते लाउने आ गेट ते लाउने आ ये कुदरती आफत है इन्हें पुछ के नहीं आना ये उत्ते लाजमी लाना चाहिए। गिरन का कारण की होंगे ये भी कोई कारण तो हो जो तुहानू हुणे एक्सप्लेन किया भी बिजली हमेशा धरती वल नूं आपदा रस्ता तय करती है मैं इत्थे तुहानू दुबारा एक्सप्लेन कर दाना कोई गल नहीं ये जिहड़ा साडा एक घर है जी ये सारा अर्थ है ते इत्थे साडे बदल ने बदलों तो जदों भी बिजली रस्ता तय करूगी तो उन्हें टॉप नूं टच करना है जो उहदा नेड़े तो नेड़े दा दा हाँ अगर इहदे कोले उच्ची बिल्डिंग हो रहा है फिर इहदे कोले जाऊगी क्योंकि सीधे तौर पर गल कहीए
भी एक तरह नाल यह 45 डिग्री का एरिया होंगे, यदा मोटा मोटा कैलकुलेशन है 45 डिग्री एरिया बिजली लेंदी है। जे जिन्ना उच्चा कोई साड़ा लग्या हो, जे असी इहदे उपर इत्थे जाके लाइटनिंग रेस्टर लाता तां इहदा मतलब इत्थों तो लैके इन्ना एरिया सेफ है। 45 डिग्री दा उस जगह तो सेंटर मन के 45 डिग्री दा एरिया जिहड़ा वह सेफ है। ओके, यानी हुण मैं कह सकदा वी जिवें 100 फुट तुसीं उत्ता लाया फिर उत्थों हुण 45 डिग्री दे सकदे वी, ओह सारा सेफ च आ गया। साडी किन्नी बिल्डिंग सेफ है ते किन्नी नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ दसी तुसीं। एक मोटा जिहा हिसाब है क्योंकि समानी बिजली नाल तां बेतहाशा ही नुकसान होंदा है, दरख्तों पर भी डिगदी है, इस करके कहा जाता भी जो क्योंकि जो दरख्त है वो जड़ा जमीन च ने, अर्थ है चंगी तरह, वो इस करके जो मीह पैंदा उदो बाह लगती दरख्त के कोले ना खड़ा इस करके जी। हम आप दिखाने दर्शकों को क्योंकि अर्थ दर्शकों मैं दस देव ऐसी चीज़ है जिवें भाई साहब ने भी गल की कि अजक ज़्यादातर घर के चीज़ नहीं करवाई जाती, कई बार अणगहली वरती जाती है, कई बार वरतन की कोशिश की जाती है, ये पता नहीं क्यों, पर अज दसांगे भी की जरूरत होंगी है असल अर्थ करवाने की, नहीं करवाते तो की हादसा वापर सकता। बिल्कुल जी, वो मैं थानू हमने दिखा दिना, इतने साढ़े को इत्थे देखो साढ़े कोले 230 वोल्टेज इत्थे आ रहे ने, इत्थे भी 230 आ रहे ने, इत्थे भी 230 आ रहे ने जी। ते क्योंकि बराबर इस करके आ रहे ने भी बकायदा ट्रांसफार्मर ते अर्थ होई होई है, अगर असी ये अर्थ खोल देने आ ठीक है, ये अर्थ वास्ते सीगी ठीक है, ये जिहड़ी गवर्नमेंट दी ड्यूटी है ट्रांसफार्मर दी अर्थ ओहदी ओहने कीती है, ते फिर साढ़े नाल की होऊगा। हुण आपां उही वोल्टेज जिहड़े देखदे आ, देखो ये 8 रह गए, ये तो बिल्कुल घट गई 230 तो, ये भी जीरो, इत्थे भी जीरो हो गया, इत्थे भी 12-13 रह गए, बिल्कुल ये तो कुछ भी नहीं रहा, बिल्कुल इहदा मतलब की है भी मैं हुण किसे भी तार नूं हथ ला सकदा। हालांकि इत्थे जे मैं टेस्टर की गल करदा जग रहा है, चल रहा है, बिजली आ रही है, पर यह वोल्टेज इत्थे है नहीं, इहदा मतलब इन्ना क सेफ है। लो मैं हथ ला के दिखाता, मैं इनू भी हथ ला के दिखा देंगा, तो यह भी यह जहाँ रिजल्ट आना, नहीं कहना कुछ यदा मतलब बिजली तो बड़ी सेफ होगी, करंटे नहीं मारती है ना, असं किसी भी हथ ला सकते, पिछों पूरी आ रही है, पिछों पूरी आ रही है, फिर यदा मतलब अर्थ नुकसान का सौदा हो गया, अपने अर्थ खोली है, क्यों करवानी है। यदा कारण फिर की होंगे भी जदों कि गलती नाल भी वोल्टेज जीरो ने, इत्थे 400 आ गई, 230 पहला 230 ने मारना, 400 तैयार है, डबल ही कह सकते हैं आप, दुगनी ये मतलब इन्हें 2-3 सेकेंटा के बंदे नबेड़ दोगे, खत्म। और दुख की गल है भी ये जड़िया अर्थां दुरुस्त करन दा जिम्मा साढ़े स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ते हुंदा है, ये तकरीबन आपदी पूरियां जिम्मेवारियां तो यह भज चुके ने, अज किसी भी जगह पर जाके देख लो किसी ट्रांसफार्मर दियां किसी मोटर दियां कोई अर्थां दुरुस्त नहीं हैगियां, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਊਗਾ, ਬਸ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਸ ਜਾਣ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਜਿਸਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਘਰ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਫਿਟਿੰਗ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਨਾ ਬਚੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਘਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ 11 KV ਦੀ, ਇੱਕ ਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 10 KV ਤੱਕ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਾਣ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਫਿਟਿੰਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਚਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਗਰ ਮਾਈਨਰ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ, ਮਿਸਟੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਰਥ ਟੁੱਟ ਗਈ ਗਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ,
असी समझते हैं भी ये सारा करोना सरकार का कम है, सरकार कहती है भी जिन्ना क साढ़े को समान ती असी करता, फिर उस तो बाद भुगतना साड़िया जाना दे के असी भुगतान करना है। एक चीज़ मैं ये भी सुनी है जय सिंह जी भी जिमें पिछे जे मोगा के पावर ग्रिड के भी वेख्या अग लग गई सी, ब्लास्ट इलैक्ट्रिकल ब्लास्ट हो जाते हैं, वो बुझते नहीं है, उन्होंने की कारण होंगे, चाहे जिन्ना मर्जी फायर एक्सटिंग्विशर सुट दो कुछ भी हो जाए बुझते नहीं। कारण यह है भी जो तेल है, तेल जो गर्म होकर गैस रूप च हो गया फिर इनू कंट्रोल करना संभव नहीं रहता। फिर उत्थे वड्डा सवाल यह आता फिर उन्हूं बचाया किवें जा सकदा? उन्हां दा देखो जो अजकल साढ़े नवें सबस्टेशन आ रहे हैं उन्हां विच इह इंतजाम हो चुके हैं, परंतु जिहड़े लोग साढ़े कमर्शियल ने जां इंडस्ट्रियां ने इन्हां च हले अवेयरनैस नहीं है, क्योंकि असी गल करदे आ सेफ्टियां दी, अक्सर एक छोटी जी गल कही जाती है भी एक पहाड़ी दे उत्ते बड़ा कट्टवां तिखा मोड़ सी, उत्थे एक बोर्ड लाया होया सी भी अगे तिखा मोड़ है तो इतने हादसा हो सकता है। वो काफ़ी देर तो बाद जो एक अफसर सीगा वो कहना भी बोर्ड नूं पट लो, वो कहना भी क्यों पट्टीए, वो कहना इतने हादसा तक दे होया नहीं। यानी असी उस किस्म के लोग हाँ, असी समझने भी जिन्ना चर हादसा नहीं हुंदा उन्ना चर असी मनना ही नहीं भी हादसा हो जाऊगा, ऐं किवें हो जाऊगा। जबकि बिजली है, मैं एको गल कहना भी दोस्तों बिजली इमेजिनेशन की गेम है, इनू देखने वास्ते इनू ना तुसी देख सकते हो ना इनू सूंघ सकते हो, ये तो जदों भी दिखाऊगा अपना फैक्ट दिखाऊगी। या असी है, मैं हुण इत्थे खड़ा, मैं बिजली बंद करती, मैं एक सेकेंड लई लाइन बंद करती, हुण इहदे विच कहिड़ा कोई रंग च फर्क आ गया? हुण असी सोचने भी मेन सुच बंद है, इहदा मतलब इत्थे बिजली नहीं है, इमेजिनेशन है, बस सोचनी है, सोचनी है, ठीक है ना। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, इन्हें आपका कोई रंग तो चेंज करके नहीं दिखाना। इमेजिनेशन की गेम है, इमेजिनेशन के जो जो नुक्स सामने आते हैं सानू जरूर यह कलैरीफाई करने चाहिए ने, माहरां तो पूछना चाहिए तो इलाज करना चाहिए। मैं मेरा रेडियो स्टेशन तो भी पहला प्रोग्राम रहे ने, मैं उत्थे भी बार बार एक ही कहा भी हर खेत के मोटर दे उत्ते घट्टो घट चार अर्था होनिया जरूरी ने, दो ट्रांसफार्मर दियाँ ते दो मोटर दियाँ अलग, पर अजकल हुंदियाँ दो भी नहीं हैगियाँ। असूल तो यह भी ट्रांसफार्मर खुद चार अर्था की मंग करता है। अच्छा, आजाद तौर पर कोई अर्थ एक दूजे के नाल ना लगी हो, 10 फुट का जिहड़ा फासला अर्थ तो अर्थ का होना चाहिए, तो दो तारा हुंदियां ने लो वोल्टेज विच मोटर दियाँ हुंदियां ने। हुण आपां कई बार देखते हैं भी जिहड़े खेत के उत्ते पानी है, समरसीबल का बैंड लग्या है, कोई पानी पींदा ही रह गया, पानी खेल दे विच करंट आ गया तो पशु मर गया, बिल्कुल ठीक है ना जी। वह हादसे अर्थां दी अणहोंद करके हुंदे ने। अच्छा, हुण इत्थे सवाल यह भी आउंदा भी जिहड़े मैं काफ़ी सुणिया भी जिहड़े कई खेतों तों वड्डियां तारां निकलदियां ने, वड्डे ग्रिड जिहड़े उहने तारां निकलदियां ने, कि ऐसा सचमुच हुंदा है भी कहिंदे भी जिहड़े खेत हुंदे ने उहनूं बहुत खतरा हुंदा भी उस तारां उत्तों निकल रहियां ने? देखो उहदे विच इह है भी जो साडे इंटरनैशनल नॉर्म ने उहनां दी उचाई जां जिहड़ी ग्राउंड क्लीयरेंस असीं कह दिंदे आ वो होनी जरूरी है। हुण मिसाल दे तौर घट्टो घट्ट किन्नी होनी चाहिए? मिसाल दे तौर पर जे साडी 11,000 वोल्टेज की लाइन है, इहदी हर जगह पर 11 मीटर, 11 मीटर का मतलब 33 फुट का लगभग क्लीयर स्पेस रहनी जरूरी है जमीन तो। ते इह उस जमाने दे नॉर्म ने जदों कोई हेठां मशीनरी नहीं सी गुजरदी, अज 15 तो 16 फुट उच्ची कंबाइन भी निकलती है, जबकि खेतों के अगर तुहानूं दिखावां तो वध 16 या 17 फुट से तो 11,000 की लाइन जा रही है। उत्थे हादसे होने कुदरती ने, अग्गां लगदियां ने, लोग मर जांदे ने, कोई हेठों ट्रक लग गया जां कंबाइन लग गई जां खेती मशीनरी जिहड़ी भी उचाई रखदी है उहदे टच च आ गई तां उत्थे नुकसान हो जांदा। दरअसल कोई होर चीज़ तुहानूं मैं दिखाना भी इत्थे एक चीज़ है, जिवें मैं पहलां गल कीती भी जिवें अग लग जांदी है बुझदी नहीं हैगी, अज तुहानूं उस मशीन नाल दिखावांगे जिथे जिहड़ा उस चीज़ का पता कर सकदी है भी किवें उस चीज़ नूं रोकिया जा सकदे, जिवें कि आपां कह सकदे उहदे विच तेल पाया जांदा है, इह मशीन नूं पहलां की कहिंदे ने भाजी? इह साडी आयल टैसटिंग यूनिट है जी, ट्रांसफार्मरां दे विच जिहड़ा तेल पैंदा है, क्योंकि इहदे बारे भी सानूं नहीं पता लगदा, जिहा जिहा पुराना धरना मिलदा लै के पा लै, ते उहदे नाल मैं इहनूं खोल के दिखा दिंदा जी तुहानूं। जी बिल्कुल, इह ट्रांसफार्मर दा तेल है जी जिहड़ा विच पाया होया, ठीक है, इहदे अंदर इह टैसटिंग प्रोब ने दोनों लगे हुई, ठीक है, ते इहनूं इत्थे विच रख के मशीन दे, क्योंकि इहदी कोई अवेयरनैस नहीं है साडे खेतां दे विच, हालांकि हर सब दा ट्रांसफार्मर लगे हुए ने, ते इत्थे देखो जी सेफ्टी सुच है तां कि उस टैसटिंग दे दौरान इह खुल्ला ना रहे जे, ते जदों असीं इहनूं ऑन करदे हां इतों असी हाई वोल्टेज ऑन करते, तो इनक्रीज
इतने अपने आप वोल्टेज बदलने शुरू हुए ने। तुम देखोगे चरखी जी हेठा घूम रही है, एक घूम रही है। हाँ, ये वोल्टेज बढ़ते जा रहे ने, 15-16 26 ते बंद हो। हाँ, ये 27 केवी के उत्ते ने अपना टेस्ट पॉइंट दिता है। 27 केवी का जिहड़ा तेल है ये डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ दी बन रही है, यानी कि वध तो वध 27 दा केवी दा जिहड़ा आ ओह टॉलरेट कर सकदा, संभाल सकदा। ये 11 केवी ट्रांसफार्मर दे विच तेल पाया जा सकदा, पर साडे मुताबिक इह वी घट है, क्योंकि कई टैस्टां दे विच इहदे बार बार असीं टैस्ट लैंदे आ ते इहदे अंदर इन्नी कार्बन आ जांदी टैस्ट होर बैठ जांदा इहदा, इहदी असीं रिकमेंडेशन नहीं दिंदे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ 100 ਕੇਵੀ ਤੱਕ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 66,000 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚੈੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੇਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟਰੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ? ਤੇਲ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਦੀ ਪਿਓਰਿਟੀ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੇ 8-8 ਲੱਖ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ 16-16 ਲੱਖ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। तेल की जिनी इंप्योरिटी क्ढ़ी जावे असं वो पानी का कण बाहर क्ढन कामयाब होवे उन्नी वो जी डायलैक्ट स्ट्रेंथ है शानदार हो जाए। हाँ, मैं उम्मीद करदा दर्शक जे देख रहे हो भी जानकारी चंगी लगी होगी, पर जो होर तुम चाहते हो कि कोई प्रोपर तरीके तो कोई दिक्कत आ रही है समझ दे तो मैं तुम्हें नंबर भी जोड़ा हूँ दूँगा भाई साहब उन्होंने, भाई जय सिंह जी उन्होंने, तुम सीधा संपर्क जोड़ा इन्हों कर सकते हो भी कोई भी दिक्कत आँदी है, कोई इतने आ के वेखना चाहता है कि किस तरीके के नाल प्रोपर एक्सपैरीमेंट करा के मैं दिखा देव कि हर एक तार आ 11,000 वोल्ट की जी तार जा रही है, हर एक चीज़ जी है विद एक्सपैरीमेंट इस लैब दे विच पहला भी आए सी, आउण दा खास कारण यही सी वी किस तरीके दे नाल ओ जाना बचाईयां जा सकदियां ने जिहड़ियां ज़्यादातर, क्योंकि पंजाब एक किसानी तबका है, इत्थे ज़्यादातर लोग जिहड़े ने किसानी ते निर्धारित ने, किसानी करदे ने, मजदूरी करदे ने, ते उसे दौरान कई ज़्यादातर मौतां सिर्फ बिजली करके हो जांदियां ने, जां बिजली दा कहिंदे वी करंट लग गया, मोटर ते काम करदे सीगे उत्थे किते शॉर्ट मार गया, कुछ ऐसियां चीज़ां हुंदियां सीगियां जिहड़ी अणगहली जिवें दस्या जय सिंह जी उन्होंने वरतन की जी की जाती है। उम्मीद करदा तुसीं इस वीडियो तो बाद वो नहीं वरतोंगे। भाई साहब अपना प्लीज़ अपना नंबर जरूर दस दिओ कोई संपर्क करना चाहता हो। मेरा नंबर है जी 98-150-26-985, दोबारा बोलते हैं 9815-02-6985। असीं चाहते हैं भी जदों भी कोई किसी को जानकारी चाहिए है जां साडे किसान भरा ने वह ग्रुपां दे विच आउण, असीं इत्थे किसी तो किसी किस्म की कोई फीस नहीं लैंदे, कोई पैसा नहीं लैंदे, तो क्योंकि चलो मैं किसानी परिवार च उठिया इन्हां जोगियां दूरों आउणगे तां असीं खाने ते रहण दा भी इंतजाम करांगे, पर असीं कहिंदे जाना जरूर बचा लो। बहुत बहुत धन्यवाद जय सिंह जी, तुसीं अपना कीमती समय दिता। मैं उम्मीद करदा कि जिहड़ी ये जानकारी है इसनूं वध तों वध शेयर कर दिओ खास करके किसान भरावां दे विच, क्योंकि ज़्यादातर जिवें आपां ये इलाका कह सकते हैं नॉर्थ जोन का पंजाब हरियाणा हिमाचल, ये ज़्यादातर जिहड़े ने किसानी तबके वाले ने, किसानी की जाती है इत्थे, किसानी वध तों वध जिहड़ी है की जाती है, किसान ज़्यादा ने। पर उम्मीद करदा ये वीडियो कारगर साबित होगी तुहाडे वास्ते, ते इस तो बाद तुसी जिहड़ी अणगहली हुण तक वरतदे आए हो वह शायद ना वरतोंगे, तां कि जिन्नियां जानां जांदियां ने इस चीज़ करके, यानी कि अर्थिंग करके, ट्रांसफार्मर करके, लाइटिंग करके, इलैक्ट्रिसिटी करके, बिजली करके जिन्नियां मौतां होंदियां ने उहनां नूं बचाया जा सके। उम्मीद करदा वीडियो चंगी लगी होगी, वीडियो नूं वध तों वध शेयर कर दो, तुहाडी टीवी स्क्रीन ते नंबर फ्लैश हो रहे ने, गलबात सीधी कर सकदे हो, जिवें दस्सिया कि किसानां वास्ते हमेशा रेडी ने। 88 दे विच सानू 1988 दे विच आपने ते आप खुद दे उत्ते जिहड़ा एक हादसा वापर सी, ते उस तो बाद एक ऐसा प्रण लिया कि हर एक बंदे नू जिहड़ा आ इस तो बचाया जा सके कि जिहड़ी चीज़ मेरे नाल होगी कल नू तुहाडे नाल या तुहाडे किसी सके संबंधी दे नाल ना हो सके। उम्मीद करदा वीडियो चंगी लगी होगी, वीडियो नू वध तों वध शेयर कर दिओ, ऐसियां होर जागरूकता वालियां वीडियोज़ समय समय सिर थोड़े तक साझी करदा रहूँगा। तद तक लई मैनू यानी कि गुरप्रीत सिंह बल नू दिओ इजाजत, ते वेखदे रहो पंजाब न्यूज़। धन्यवाद।